नवाज शरीफ ने पाकिस्तान और भारत को तल्ख माजी पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की तजवीज दे दी है पाकिस्तान की इजाफी बिजली भारत को बेचने की एस सी ओ कवरेज के लिए पाकिस्तान आए भारतीयों से गुफ्तू में कहा कि भारत को बिजली चाहिए पाकिस्तान के पास बहुत बिजली है ये बिजली जरूर भारत को बेचनी चाहिए सिर्फ मौसम तब्दीली आरोप ताबन नहीं दोनों मुल्कों को तिजारा शुरू करनी चाहिए एक दूसरे के साथ कारोबार करना चाहिए तालुकात अच्छे हो जाए तो जरूरत का सामान दो घंटे में पाकिस्तान आ सकता है इस मौके आरोप मौजूद वजी अला पंजाब मरियम नवाज ने भारतीय पंजाब देखने की ख्वाहिश का इजहार किया कहा भारत और पाकिस्तान के पंजाब को एक दूसरे ऐसी बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है क्रिकेट पर

मखसूस नशस्तों पर स्पीकर कौमी इसम्बली और स्पीकर्स के का मामले पर, कमिशन, ने चीफ इलेक्शन कीजलास में ये बात बताई छब्बीस में आईनी तरमीम पर पेश का जायजा लेने के लिए सरबराज ए मौलाना फजल रहमान की जेर सदारत पार्लमानी पार्टी का अजलास इस्लाम में जारी है मौलाना फजल रहमान पार्लियानी पार्टी को कल नवाज शरीफ के साथ हुई मुलाकात पर अहतमद मिलेंगे पार्लिमानी पार्टी के बाद पी टी आई का वफती मौलाना फजलान से मुलाकात के लिए पहुंचेगा बात करेंगे इस बारे में जियो ने इसके नुमाइंदे वकार सत्ती से वकार अब क्या अहम अगली मुलाकात होगी देखिए आपसे कुछ देर पहले शुरू हुआ है जनतमा इस्लाम की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जिसमें उनके मम्बरान सेनेट और अरकान कौमी इसम्बली दोनों शरीक हैं मौलाना फजुररहमान इस वक्त उन्हें जो मुलाकातें हुई हैं उनकी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क्यादत के साथ उस परादाद में ले रहे हैं जबकि जो मुजवजा ड्राफ्ट एक है जो जिसके ऊपर इब्तदाई तौर के ऊपर जो है आमदगी ज़ाहिर की गई है हुक्मर इता की तरफ से उसके नकाद के ऊपर भी उन्हें इतमाद में लेंगे और इसके बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डेलीगेशन जो है वो भी मौलाना को मिलेगा इसी ड्राफ्ट के ऊपर उनसे भी होगी, जबकि कल दिन आपको ये बता दें हमास के की शहादत की मतजाद सामने आ रही है पहले इसराइली फौज ने दावा किया था कि या को शहीद कर दिया गया है बाद में कहा कि बम्बारी में शहीद फलस्ती शख्स का

इसमें कोई ऐसी शिक नहीं जो अवामी हक़ या अदालती इख्तियार पर जरब लगाती हो वफा की वजी मलिक ने कहा कि आईनी तरम के लिए पीपल्स पार्टी एम क्यू एम और जे यू आई से इतफाक राय के लिए बातचीत जारी है जब उनके पास नंबर्स पूरे हो जाएंगे तो छब्बीसवीं आयनी तरम पास करवा लेंगे प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए तहरीक इंसाफ के नईम हैदर पंचोथा ने कहा कि बानी से मशवरे के बाद फैसला करेंगे कि आईनी तरीम पर साथ देना है या नहीं जे यू आई की शाहिदा अख्तर अली ने कहा कि आयनी बेंचेस पर सियासी जमाते मुतफ़ हैं नवाज शरीफ साहब ने डिनर दिया था लाहौर में तो उसमें जो जो खब वहाँ से जो खबर निकली कि जी कंसेंसिस हो गया तो वो खबर गलत है ख़बर इस लिहाज से तो ठीक है जहाँ तक उन्होंने बयान किया जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का सबसे पहले सर फहरिस्त जिस मुतालबा था और उसपे कंसेंसिस हो रहा था वो मुश्तरक में से हैं। उस पे है बेंच पे बेंच पे, बेंच पे कोर्ट पे नहीं अच्छा बेंच और पे, पे और फौजी अदालतों के मसले पे कुछ वो है। अभी तक सामने भी नहीं आया और सबसे ज्यादा रिजर्वेशन हामिद साहब उसी पे है

वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि महंगाई कम हो रही है दो हज़ार पच्चीस के मुशी हिदाफ हज़ार चौबीस में ही हासिल हो गए ज़र में रेकॉर्ड इजाफ़ा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का हुकूमती पॉलिस पर अहतम का महर है और इतिहादी जमातों के, के दौरान से ख़िता में उन्होंने एस सी ओ अजलास के कामयाबी निकाद पर तमाम रहनुमाओं को मुबारकबाद दी और कहा कि इससे पाकिस्तान की सफारती प्रोफाइल बैन अवी सतह पर मजदूर मस्तकम हुई है कौमी मफाद में इतहादियों से मिलकर खुशहाल पाकिस्तान की जानब ग है कराची में कल्चर फेस्टिवल में आज सिंधी खेल सालगिरह पेश किया जा रहा है खेल देखने के लिए शायक की बड़ी तादाद मौजूद है वकास आलम अंगारिया की रिपोर्ट देखिए अड़तीस रोजा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल आर्ट्स काउंसिल में जारी है और अड़तीस दिनों में जहां पर मुख्तलिफ खेल मौसीकी के प्रोग्रामक़द किए जा रहे हैं आ, वहीं पर जो है वो वर्कशॉप्स का भी आ, यहां पे इंतज़ाम है एहतमाम है और वक्तन फ़वकाता वो भी हो रही हैं और आज जो है आ, वो मशहूर हिंदुस्तानी खेल सालगिरा को सिंधी ज़बान में पेश किया जा रहा है ज़िंदगी और घर के मुतल वो पेचीदगियाँ जो कि आम समाज में नहीं कही जाती उनको इस खेल के ज़रिए जो है वो पेश किया जा रहा है आ, इस खेल को जो है वो सिंधी जबान में बेदिल मसरूर ने जो है वह उसको ट्रांसलेट किया है उसका तर्जुमा किया है जबकि इसकी हिदायतकारी जो है वो उन्हीं के बेटे आ, जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं आर्ट्स काउंसिल में इस खेल को देखने के लिए शायक की एक बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है न सिर्फ सिंधी बोलने वाले बल्कि मुख्तलिफ़ानों के लोग भी इस खेल को देखने के लिए आर्ट्स काउंसिल में मौजूद हैं अड़तीस रोज़ा ये फेस्टिवल जो है वह दो नवंबर तक जारी रहेगा और मुख्तलि ज़बानों में खेल के साथ साथ मुख्तफ प्रोग्राम्स भी मुनक़द किए जाएँगे जी वज़ी अली खैबा ने बानी पी टी आई की रिहाई के लिए कल एक ज की कॉल दे दी है पीटीआई के कारकुनों को मुखातिब करते हुए कहा कि कल हर जिले से एहतजा के लिए निकलना है गैर आईनी तरमीम के खिलाफ आवाज उठानी है बानी पी टी आई और दीगर क्यादत की रिहाई के लिए एहत करना है गवर्नर खैबर पख्तुखा फैसल करीम कुंडी का कहना है की खैबर पख्तुनख्वा में असर के बाद दहशत गर्द सड़कों पर निकल आते हैं थाने बंद हो जाते हैं उन्होंने हैदराबाद में सिंध के वजीर शर्जील में में के साथ मुश्तर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गवर्नर के पी ने कहा की सूबे में अमन की खातिर सी एम हाउस भी गए वहाँ सिर्फ ये मौजू होता है की धरना कब देना है या इस्लामाबाद पर चढ़ाई कब करनी है के पी के तमाम वसाइल रियासत के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं आपको बताएंगे पंजाब हुकूमत ने कल जुमा 18 अक्टूबर को सूबे के तमाम सरकारी और निजी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में छुट्टी का ऐलान कर दिया है इंटरमीडिएट का कल कर, का इम्तानी पर्चे भी मुलतवी कर दिए गए हैं साथ ही पूरे सूबे में दो दिन के लिए दफा एक सौ चवालीस नाफिज कर दी गई है दफा एक सौ चवालीस का नफाज जुमा अठारह अक्टूबर से हफ्ता उन्नीस अक्टूबर तक होगा ऐहत करने और जल्द से जुलूस निकालने पर पाबंदी होगी इस्लाबाद की जिले इंतजामी का कहना है कि वफाकी दारकूमत में तालीम इदारे बंद करने की कोई तजवीज़र नहीं कल इस्लामाबाद में तालीद मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे आईसी वेमेंस टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका ने दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को आठ विकेट से हरा दिया है ऑस्ट्रेलवी टीम पांच विकेट पर एक सौ चौंतीस रन बना सकी चवालीस रन के साथ नुमाए रही हदफ के ताकु में और कप्तान लॉरा ने शानदार बैटिंग की लॉरा ने बयालीस रन बनाए एनिक बोश ने सिर्फ अड़तालीस गेंदों पर चौहत्तर रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेल कर जनूबी अफ्रीका को फाइनल में पहुंचा दिया वजी दाखला ज्या, ज्या, हसन लंजार ने कहा की कराची एयरपोर्ट वाक की तफ्तीश में पेश हुई है असल लोग पकड़े गए हैं कुछ खातन भी शामिल हैं सिक्योरिटी के नुकता नजर से मजीद तफसील नहीं दी जा सकती हैदराबाद में जियो न्यूज से गुफ्तगु के दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस और सी टी डी अपने टारगेट पर पहुंच चुकी हैं अच्छी पेशर हुई है रियल लोग पकड़े गए हैं उसमें कुछ खातन भी हैं लेकिन अभी आपको मुकम्मल हिंट जो भी तफसील है वो नहीं दे सकते बिकॉज ऑफ पा, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू लेकिन उसमें पुलिस सी टी डी अपने टारगेट्स तक पहुँच चुकी है वजीर अला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने खुददार में जर्गे से ख़िताब में कहा है कि बलोचिस्तान का मसला बहुत पुराना है इसे जरगे से हल करना चाहते हैं मुल्की दस्तूर को मानने वालों से मुजाक के लिए तैयार हैं हुकूमतों से नाराज़ी समझ में आती है रियासत से नाराज़ी समझ से बाल अतर है सरफराज बुगटी ने कहा कि मजदूर कमाने के लिए बलोचिस्तान आते हैं इन्हें निशाना बनाने वाले कानून की गिरफ्त नहीं बच सकते जरगे में कोर कमांडर बलोचिस्तान ने भी शिरकत की वज़ी अल ने इस मौके पर बेरोज़गार नौजवानों को कारोबार के लिए बिलासूद कर्जे देने का एलान भी किया